जिस तरह से प्यार के साथ यहाँ गांव के अंकित ने, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने प्रयास किया है, उनका प्रेम भाव है, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, मैं बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी तरह प्रयत्नशील रहेंगे। जिस तरह धर्म का ग्रंथ हमें अपने आचरण और सही व्यवहार सिखाते हैं, या आपकी इबादत और तपस्या को तोलते हैं, जिस तरह सुबह की सूर्य की किरणें दिन भर के आपकी मेहनत के लिए आपको दस्तक देती हैं, जिस तरह ये आपकी खड़ी फसल जो आपके खून पसीने की कमाई है उसका प्रतीक है, आपके परिवार को पोषण देते हैं, उसी तरह चौधरी चरण सिंह की ये जो मूर्ति है जिसकी स्थापना आपके प्रयासों से हुई है, ये आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करेगी अपने इतिहास को समझने का, एक भाव आपके अंदर पैदा करेगी, आपको तैयार करेगी समाज के लिए, तपने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ साफ सफाई नहीं, या कोई पुष्पांजलि देना चाहे, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहे, तो सबके लिए खुला होना चाहिए ये स्थान, लेकिन जब आप मालार्पण करके इस मूर्ति की सेवा करें तो चौधरी साहब के विचारों का ध्यान करें। उनके बारे में बहुत कुछ है, अध्ययन लोगों ने किया है, किताबें लिखी हुई हैं। मैं नौजवानों को कहूंगा उन किताबों को पढ़ें, क्योंकि इंसान महान बनता है विचारों से। बाकी सबको एक ना एक दिन जाना है। चौधरी चरण सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाज की आवश्यकता है कि चौधरी चरण सिंह जी के विचार जिंदा हैं, वो जिंदा रहें और उनके जज्बात को समझने वाले लोग ताकतवर हों, देश के मुख्य धारा में आए। तो ये हमारी मुख्य लड़ाई है। मैं क्योंकि हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे समाज के सीनियर प्रतिष्ठित लोग यहाँ मंचासीन हैं, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदियां हैं, मैं उतना समय इस कार्यक्रम को नहीं दे पा रहा, मैं आपके उद्गार नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ बाबा जी हैं, उन सबका आशीर्वाद इस अच्छे काम में हमारे साथ है, और आप इस परिवार को भी प्यार देंगे जिन्होंने निजी जगह पे अपनी जमीन तैयार करके किसानों के लिए अपना प्रेम भाव आगे रखा।